मुंबई में तेज बारिश होते ही जलभराव की स्थिति का जगह जगह पर देखने मिल रही है। मैं हूँ हिंद माता के पास। यहाँ पर ये निचला स्तर का भाग होने की वजह से यहाँ पर ये जलभराव की स्थिति देखने मिलती है। यदि आप देखें तो कई जगह पर कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पर गाड़ियाँ बंद का गिर रही है तो कहीं कई लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये अगर देखें तो मुंबई महानगर पालिका की ओर से यहाँ पर पंपिंग स्टेशन बनाया गया है ताकि यहाँ से ये पानी निकाला जाए। पर जब थोड़ी सी भी तेज़ बारिश होती है तो मुंबईकरों का त्रस्त होता है जीवन, क्योंकि जहां पर जलभराव की स्थिति जगह जगह पर देखने मिल रही है। यदि आप देखें तो ये हिंद माता का परिसर है जहां पर कई लोग यहां पर है उनसे सीधा रुख करते हैं। मुंबई में आप रहते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं ऐसी जलभराव की स्थिति को, क्या कहेंगे? पानी इधर हिंद माता में जब बारिश होता तो बढ़ता ही है और सब जगह दुकान में भी पानी घुसता है। ये निचला इलाका पड़ता है, इसमें हिंद माता ऊपर से जब पानी आता है तो हिंद माता में जल्दी भराव हो जाता है। और ये पानी का अपना निकाल के लिए बड़े बड़े जनरेटर भी लगाए हुए हैं और उससे भी पानी कंट्रोल नहीं होता है तो भी पानी भर जाता है, हर दुकान में पानी घुस जाता है। क्या आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जिस हिसाब से है, क्या आज बहुत बारिश हो रहा है? हिसाब से ज़्यादा बारिश हो रहा है। लगातार सुबह 6 बजे से अभी 2 बजे तक बारिश हो रहा है, इसकी वजह से बहुत पानी आया है इधर। अभी लगता है कि मुंबई में ढग फूट रहा है, ऐसा लग रहा है। यानी मुंबई शहर में कई जलभराव की स्थिति है। यहाँ पर आम मुंबईकर है, उनसे सीधा रुख करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हर बार ऐसा ही होता है, यहाँ हर बार भरता है यहाँ पानी। यहाँ पर कुछ यहाँ पर बच्चे आए हैं, इसका मौज लेने आए हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस बारिश को? बहुत बारिश पड़ता है, बारिश की वजह से हर टाइम दुकान में पानी जाता है और नुकसान होता है। मैडम आप हंस रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं क्या इस बारिश को? हिंद माता में पानी भरता ही है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो बारिश की वजह से कई लोग परेशान होते हैं तो कई लोग इसका आनंद भी लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्थानिक लोग जो है वो स्थानिक लोग यहाँ पर आके पूरी तरीके से बचने के लिए यहाँ पर कोई मैनहोल्स में ना जाए और कोई नुकसान ना हो, इसीलिए यदि अगर देखें तो यहाँ पर ये परिस्थिति की गई है। तो BMC की ओर से ऐसे कुछ सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं ताकि यहाँ से कोई नुकसान ना हो। तो दूसरी जगह पर पुलिस की गाड़ियां लगाई गई है ताकि यहां से कोई आए ना और यहां पर कोई नुकसान ना हो। जब थोड़ी सी भी तेज़ बारिश होती है तो मुंबईकरों का त्रस्त होता है जीवन, क्योंकि जहां पर जलभराव की स्थिति जगह जगह पर देखने मिल रही है। यदि आप देखें तो ये हिंद माता का परिसर है जहाँ पर कई लोग यहाँ पर है उनसे सीधा रुख करते हैं। मुंबई में आप रहते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं ऐसी जलभराव की स्थिति को, क्या कहेंगे? पानी इधर हिंद माता में जब बारिश होता है तो बढ़ता ही है और सब जगह दुकान में भी पानी घुसता है। ये निचला इलाका पड़ता है, इसमें हिंद माता ऊपर से जब पानी आता है तो हिंद माता में जल्दी भराव हो जाता है। और ये पानी का अपना निकाल के लिए बड़े बड़े जनरेटर भी लगाए हुए हैं और उससे भी पानी कंट्रोल नहीं होता है तो भी पानी भर जाता है, हर दुकान में पानी घुस जाता है। आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जिस हिसाब से है, क्या आज बहुत बारिश हो रहा है? हिसाब से ज़्यादा बारिश हो रहा है। लगातार सुबह 6 बजे से अभी 2 बजे तक बारिश हो रहा है, इसकी वजह से बहुत पानी आया है इधर। अभी लगता है कि मुंबई में ढग फूट रहा है, ऐसा लग रहा है। यानी मुंबई शहर में कई जलभराव की स्थिति है। यहाँ पर आम मुंबईकर है, उनसे सीधा रुख करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हर बार ऐसा ही होता है, यहाँ हर बार भरता है यहाँ पानी। यहाँ पर कुछ यहाँ पर बच्चे आए हैं इसका मौज लेने आए हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस बारिश को? बहुत बारिश पड़ता है, बारिश की वजह से हर टाइम दुकान में पानी जाता है और नुकसान होता है। मैडम आप हंस रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं क्या इस बारिश को? हिंद माता में पानी भरता ही है। यहाँ पर यदि अगर देखें तो बारिश की वजह से कई लोग परेशान होते हैं तो कई लोग इसका आनंद भी लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्थानिक लोग जो है वो स्थानिक लोग यहाँ पर आके पूरी तरीके से बचने के लिए यहाँ पर कोई मैनहोल्स में ना जाए और कोई नुकसान ना हो, इसीलिए यदि अगर देखें तो यहाँ पर ये परिस्थिति की गई है। तो BMC की ओर से ऐसे कुछ सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं ताकि यहाँ से कोई नुकसान ना हो।
तो दूसरी जगह पर पुलिस की गाड़ियां लगाई गई है ताकि यहां से कोई आए ना और यहां पर कोई नुकसान ना हो। यहां पर अगर देखें तो मुंबई पुलिस के कर्मचारी है जो सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि यहां पर सीधे तौर पर लोग ना आए ताकि यहां पर कोई जीवित हानि ना बने। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ चेतन काशीकर, न्यूज़ स्टेशन मुंबई।